रास्ता, हाजी मस्तान जी के काफी लोगों का नाम आता है, लेकिन आज देखा जाए जो हमारी सुरक्षा में है, पुलिस है, सैनिक है, आज उनके ऊपर वार किया जा रहा है, आज उन्हें मारा जा रहा है, पब्लिक के बीच में उन्हें मारे, वो गलत है, वो जो हो रहा है गलत होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या मारा, हम कानून से अपन चलना जरूरी है। कुछ जो अपने मिलिट्री वाले के ऊपर जो परेशानी हो रहा है, उस टाइम अभी मेरी थी सेना जो ऐसा कर रहे हैं उसको उड़ा डाल, मैं रफ्टअप हूँ, उड़ा डाल। क्यों, ये जो देखो कुछ पुलिस में ना, कुछ पुलिस अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कुछ पुलिस वाले में दम नहीं है, समझा ना, वो सब पैसे के लिए सब करते हैं। अगर पुलिस वाले मिल के एक हिसाब से चलने लगा था, दुनिया का अपन सबक सिखा सकता है। देखो अभी पाकिस्तान में इतने तकलीफ होती है, पाकिस्तान वाले अपने हिंदुस्तान वाले के कितने दुख देते हैं, अभी बोलना अच्छा नहीं। ये जो पिक्चर वाले के बारे में बता रहा हूँ ना, ये पिक्चर में ऐसा उल्टा उल्टा सुलटा दिखाते हैं, ये आम बच्चे लोगों पर बहुत तकलीफ में होती है। आपको मैं कुछ बोलता नहीं, आपको खुद को मालूम है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बना हुआ है, पहले पिक्चर बनते थे, माँ बाप भाई बहन सब बैठ के पिक्चर देखते थे, अच्छा रहते थे, ये कुटुंब बैठ कर देता था। आज पिक्चर देखने के लिए माँ बाप जा नहीं सकता है, भाई बहन जा नहीं सकता है, वही बैठ नहीं सकता, ऐसे ऐसे पिक्चर बना रहे, ये बहुत दुख होती है, दुख की बात है ये। हाँ जी, ईद पे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवा को, जो युवा हमारी यूथ है, और क्या संदेश है, और ईद मुबारक किस तरह से होगा आपकी तरफ से? मेरी तरफ तो मैं ईद को बहुत मानता हूँ, बहुत इज्जत, सब अच्छा रहे, खुशी रहे, और खुशी मिले, माँ बाप को रेस्पेक्ट दो, हर आदमी की रेस्पेक्ट दो, अल्लाह को रेस्पेक्ट दो, हर चीज़ में मिल के चलने के, मैं हमेशा सब खुशी रहे और खुशी मिले उन लोगों को, ऐसा मैं बोलता हूँ।